सब्सक्राइब कीजिए मंसूरी फिटनेस सर्विस को और बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मंसूरी फिटनेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं जावेद मंसूरी, आपका दोस्त। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि हम MPG 2 बॉक्स से इंडिपेंडेंट डिश को कितनी आसानी से सेट कर सकते हैं, और वो भी MPG 2 बॉक्स की TP लगाकर। तो दोस्तों, आपको आपकी डिश चाहे टाटा पे हो या वीडियोकॉन पे हो या DD फ्री डिश पे, एयरटेल पे हो या और किसी सैटेलाइट पर, अगर आप उसे इंडिपेंडेंट डिश पर सेट करना चाहते हैं तो बेहद ही आसानी तरीके से आप उसे इस वीडियो के माध्यम से सेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको लगानी है थोड़ी सी ट्रिक जिससे कि आपकी डिश हो जाएगी सेट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डिश टाटा स्काई 83 ईस्ट पर सेट है। अब हम इसे MPG 2 बॉक्स के माध्यम से, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे MPG 2 बॉक्स के माध्यम से इंडिपेंडेंट डिश 91 कैसे सेट करना है, वो भी MPG 2 बॉक्स से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो दोस्तों आप DD फ्री डिश का कोई भी एक चैनल लगा लीजिए। जैसे कि मैंने इसमें MPG 2 बॉक्स में आप देख सकते हैं, मैंने DD फ्री डिश का एक चैनल लगा लिया है जो कि मैंने पैरामीटर सेट कर दिया था। और अब ये अभी टाटा स्काई पे सेट है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको इसमें LMB का जो स्क्यू है दोस्तों, उसे थोड़ा सा वर्टिकल कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्ट्रेट रहता है इसलिए इसको वर्टिकल कर दीजिए। उसके बाद हमें अपने को ये जो नटे हैं, आपको पता है फिर भी बता रहा हूँ, इन नटों को आप ढीली कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, नट ढीली हो रही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारी डिश ढीली हो चुकी है। तो थोड़ी सी और डिश ढीली कर लेते हैं। तो ये डिश ढीली है, अब इन नटों को भी ढीली कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ठीक से मैं बता पाऊँ। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें डीडी फ्री डिश का सिग्नल लगा हुआ है। अब हमें डिश को कितना राइट में लेना है टाटा के बाद में, और फिर इंडिपेंडेंट का बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे लेफ्ट की तरफ ले रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना लेफ्ट हम लेने के बाद में यहाँ पर सिग्नल आ गए हैं, 47 सिग्नल देख लीजिए। अब हम इसको इंडिपेंडेंट वाला जो चैनल है उसको लगा देते हैं। ये 6 नंबर के चैनल पर मैंने इंडिपेंडेंट सेट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, डीडी फ्री डिश के साथ में इस पे 43 सिग्नल सेट हो चुके हैं। बड़ी ही आसानी से इंडिपेंडेंट सेट हो गया है दोस्तों। ओवर अगर आप इसमें सिग्नल बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ भी जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये 45 सिग्नल हो गए थे, और अब मैं इसे यहाँ टाइट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इतनी आसानी ट्रिक से आप इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों, बेहद ही आसान से। ठीक है, बेहद आसानी से आप इसे सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 44 सिग्नल हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंट डिश पर। अब हम इसे पहले तो टाइट कर लेते हैं दोस्तों, ताकि ये सेटअप ना बिगड़े। ये सबसे इजी तरीका है दोस्तों इंडिपेंडेंट डिश को सेट करने का। अब ये हमारा इंडिपेंडेंट पूरी तरह से सेट हो चुका है, क्योंकि मेरे भाइयों को, बहुत सारों को इंडिपेंडेंट सेट करने में दिक्कत आ रही है, तो उन सभी के लिए है ये, ताकि वो इसे देखें और आराम से इसको सेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि सेट हो चुकी है डिश हमारी इंडिपेंडेंट पे, और 45 सिग्नल इंडिपेंडेंट पे आ गए हैं। अब LMB इसक्यू का अगर थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि अगर बढ़ता है या कम होता है, तो हल्का सा इसको पहले वर्टिकल करके देख लेते हैं। और अब वर्टिकल में हम आगे सिग्नल देखते हैं कितने हैं दोस्तों। तो कम हो गए, मतलब कि इस पर उतना ही वर्टिकल रहेगा जितना कि डीडी फ्री डिश पर रहता है दोस्तों। अब वापस हम देख लेते हैं, ये देखिए 46 सिग्नल हो चुके हैं। अब थोड़ा सा और ओरिएंटल करके देख लेते हैं, क्योंकि फुल वर्टिकल था, अब हल्का सा और ओरिएंटल। अब मैंने हल्का सा ओरिएंटल और किया है दोस्तों, और ये भी वापस से सिग्नल 40 पे आ गए, मतलब कि इसको डीडी फ्री डिश जितना ही आपको रखना है वर्टिकल पर, तो आपके सिग्नल 46 आ गए, 7 आ गए। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा इंडिपेंडेंट का जो इंस्टॉलेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नीचे इंडिपेंडेंट दिखा देता हूँ, टीवी की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टीवी की तरफ चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये MPG 2 बॉक्स की TP है। देखिए 12563 बत्तीस हजार 700 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 22 के ऑन रहेगा।
ये इंडिपेंडेंट की टीपी है दोस्तों, जो कि अभी हमने ऊपर सेट करा इसी टीपी से। अब मैं आपको बता देता हूँ इसे सेट करने का आसान तरीका कि आपको डीडी फ्री डिश पे कितना सिग्नल रखना है कि आपका सेट हो जाए। तो देख लीजिए, डीडी फ्री डिश पर आपको 30-31 सिग्नल रखना है जिसकी आपका इंडिपेंडेंट सेट हो जाता है। अब मैंने आपको एमपीजी 2 बॉक्स की टीपी बता दी है, अगर आप चाहो तो ये टीपी डालकर आप अपना इंडिपेंडेंट सेट कर सकते हैं बेहद ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इंडिपेंडेंट लगा के बता देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सिग्नल सेट हो चुके हैं और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको एमपीजी 2 बॉक्स से बता दिया था। देख लीजिए ये ऊपर बॉक्स पड़ा है, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, बेहद ही आसानी से आप इंडिपेंडेंट को सेट कर सकते हैं, सक्सेस हो चुका है पूरी तरह से। और मैं आपको टीपी लिस्ट भी दिखा देता हूँ, कौन कौन से टीपी स्कैन हुई है इस पर। ठीक है, सारी टीपी भी इसमें शो होगी, वो टीपी भी दिखाऊंगा मैं जो आपको स्कैन करी है। मैंने सर्चिंग हो रहा है दोस्तों, 12 चैनल आ चुके हैं दोस्तों, स्कैनिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप आपके इंडिपेंडेंट को सेट कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए इसलिए मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। देखिए 45% स्कैनिंग हो चुकी है दोस्तों, अब मैं और इसको पोस्ट कर देता हूँ। ये सारी टीपी स्कैन हो चुकी है और 271 चैनल अभी तक आ चुके हैं, 81% स्कैनिंग हो चुकी है दोस्तों। टीवी की थोड़ी सी समस्या है आज। ठीक है दोस्तों, 271 चैनल आ चुके हैं, 100% कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 100% स्कैनिंग हो चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ रहा है एसटीबी नॉट एक्टिवेट, प्लीज़ एक्टिव कॉन्टेक्ट योर ऑपरेटर। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसके एक्टिवेट कर लेता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। थैंक यू।